ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में चैप्टर 4A, 4A, 4B और 4C, ABC तीनों चैप्टर पढ़ेंगे, 4ABC। 4A में क्या कह रहा है कि किन कहाँ तक है, ये तीनों चैप्टर ए 38 के ए से लेके जेड तक है, 30A के ए से लेके जेड तक है। तो 4A में कहाँ से कहाँ तक है, ए 38A से लेके 38A से लेकर एल तक है, जो चिड़ियाघर से संबंधित प्रोविजन है, इसकी एक चैप्टर की हेडिंग अपने को रटनी है, ठीक है। उसके बाद में व्याघ्र से संबंधित है, ठीक है, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण से संबंधित 4B, वो कहाँ से कहाँ तक है, हाँ के से लेकर 38K से लेके वी तक, W तक है, ठीक है, व्याघ्र वाला K से लेके W तक है, KW याद रखना है अपने, ठीक है। और Y और Z है उनका जो अपराध नियंत्रण ब्यूरो है, वो दो, 4C जो चैप्टर है वो दो ही सेक्शन है, 38X, 38Y और 38Z, दो ही सेक्शन है उसमें, ठीक है। तो पहले अपने को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, A से लेकर J तक पढ़ना है, A से लेके J तक पढ़ना है, ठीक है। तो A में क्या कहता है कि ये कौन सा चैप्टर है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नहीं है, अथॉरिटी है, ठीक है, सेंट्रल जू अथॉरिटी और रिकॉग्नाइज्ड जू कहाँ पे थी, डेफिनेशन मान्यता प्राप्त चिड़िया 25A, ठीक है। और 25B में क्या थी, रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को अब 38A में क्या कह रहा है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन कौन करेगा, नाम स्पष्ट हो रहा है कि नाम से कि केंद्रीय चिड़ियाघर है, तो कौन स्थापना करेगा, केंद्र सरकार करेगी, एक निकाय बनाएगी, एक बॉडी बनाएगी, जिसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहा जाएगा। बाद में इसको चैप्टर में आगे प्राधिकरण नाम दिया जाएगा, बार बार ऐसा नहीं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नहीं कहा जाएगा, सिर्फ क्या कहेगा, अथॉरिटी कहा जाएगा। इस अथॉरिटी यानी जो प्राधिकरण बनाया जा रहा है, ये कौन से काम करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को सौंपे गए काम करने के लिए ये प्राधिकरण केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा। इसमें कितने अध्यक्ष सदस्य कौन कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा, प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होगा, 10 सदस्य होंगे, 10 से अनधिक यानी 10 तक हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, एक अध्यक्ष 10 सदस्य हो सकते हैं और एक सदस्य सचिव होगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्रीय सरकार करती है। प्राधिकरण का गठन भी कौन, प्राधिकरण बनाती कौन है, केंद्रीय सरकार बनाती, अध्यक्ष सदस्य और सदस्य सचिव इनकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्रीय सरकार करती है। ए हो गया, ए में प्राधिकरण है उसका गठन आ गया। बी, अब प्राधिकरण में अध्यक्ष सदस्य सचिव बता दिए, अब अध्यक्ष सदस्य या सदस्य सचिव की कितना कार्यकाल कितना होगा, उनकी पदावधि कितनी होगी, वो सेवा शर्तें कौन सी होगी, कब उनको हटाया जा सकता है, कब वो पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। तो उनकी नियुक्ति कहाँ पर आई थी, प्राधिकरण में केंद्र सरकार ने की है, ये तो अपन ने पहले ए में देख ली, 38A में। अब उनको कितने टाइम पीरियड तक का, उनका सेवाकाल कितना टाइम पीरियड का होगा, तो 38B में कह रहा है सदस्य सचिव के अलावा अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष की अवधि का होगा। सदस्य सचिव का 3 वर्ष नहीं है कि सदस्य सचिव के अलावा अध्यक्ष और सदस्य जो भी है उनका कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष होगा। अध्यक्ष या सदस्य सचिव त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो केंद्र सरकार को हस्ताक्षरित और लिखित में त्याग पत्र भी दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पहले में क्या है उनका कार्यकाल बताया, दूसरे में त्याग पत्र बता दिया, तीसरे में कि उनको केंद्र सरकार के द्वारा कब हटाया जा सकता है। पहले में कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष, दूसरे में वो त्याग पत्र दे सकते हैं, तीसरा पॉइंट कह रहा है उनको कब हटाया जा सकता है, कब, जब वो अनुन्मोचित
उन्मोचित नहीं है, अनउन्मोचित है, अनडिस्चार्ज्ड है। ठीक है, एक शब्द ये नया है यहाँ पर, अनउन्मोचित, अनडिस्चार्ज्ड दिवालिया हो, यानी उन्मोचित दिवालिया नहीं पढ़ रहे हैं, अनउन्मोचित आना चाहिए। ठीक है, अनउन्मोचित दिवालिया, यानी जो अभी भी दिवालिया है, या जो अपराध के लिए दोषी हो गया, या जो नैतिक अधमता करता है, या जो विकृतचित है। विकृतचित क्या है? सक्षम न्यायालय ने उसे विकृतचित घोषित कर दिया है, या वो अपने कार्य को करने से इनकार करता है, या कार्य करने में असमर्थ है, या वो जो प्राधिकरण के जो अधिवेशन होते हैं उनमें लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, चाहे अध्यक्ष है चाहे सदस्य है। फिर केंद्रीय सरकार को लगता है कि अध्यक्ष या सदस्य अपने पद का क्या दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको पद पर रहना लोकहित में सही नहीं है, अहित कर है, तो वो उनको हटा सकते। लेकिन अध्यक्ष या सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिया, यानी कोई किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को हटाना है तो पहले उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अब 2 या 3 में पद रिक्त हो गया, 2 में त्याग पत्र दे दिया या 3 में उनको हटा दिया गया, तो उनका पद रिक्त हो गया, तो फिर वहां पर नए सिरे से नियुक्ति की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा, नए सिरे से यानी फ्रेश नियुक्ति की जाएगी। 5वां पॉइंट है उनके वेतन भत्ते, शर्तें क्या होगी, जो केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष सदस्य या सदस्य सचिव की वही वेतन शर्तें होंगी जो विहित की, यानी केंद्र सरकार द्वारा जो निहित की जाए। इसमें पॉइंट आ गया 6वां पॉइंट, यहाँ पे इसी पॉइंट 38(2) में ही है, वहाँ व्याघ्र वाले में पढ़ेंगे उसके लिए सी आ जाता है पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, तो यहाँ पे कि प्राधिकरण अपने कार्यों को करने के लिए जितने उसे अधिकारी चाहिए या जितने उसे कर्मचारी चाहिए उनकी वो नियुक्ति कर सकता है। प्राधिकरण अपने कार्यों को करने के लिए उतने अधिकारी या कर्मचारी गण लगा सकता है जो उसे आवश्यक लगते हैं। फिर जो अधिकारी या जो अधिकारी या जो कर्मचारी लगाए जा रहे हैं उनकी सेवा शर्तें क्या होगी, जो विहित की जाए, यानी केंद्र सरकार द्वारा जो तय की जाए वही सेवा शर्तें होंगी। इसके बाद में आता है कि 8वां पॉइंट आता है कि अगर प्राधिकरण में उसके गठन में कोई त्रुटि है, या कोई पद रिक्त है, या तो गठन में कोई त्रुटि या कोई पद रिक्त है, और इसके कारण अगर प्राधिकरण ने कोई डिसीजन ले लिया, कोई निर्णय ले लिया, तो वो निर्णय अविधिमान्य नहीं होगा, यानी निर्णय वैलिड होगा, अविधिमान्य नहीं होगा। तो ए में क्या आया था, प्राधिकरण आ गया। बी में क्या आई, सबसे पहले सेवा शर्तें, फिर वो त्याग पत्र दे सकता है, फिर उसको हटाया जा सकता है, हटाया जाता है तो उसको पहले सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, सुनवाई का अवसर दे, फिर उनके अध्यक्ष सदस्यों या सदस्य सचिव के वेतन भत्ते, सेवा शर्तें क्या होंगी। नेक्स्ट जो छठा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, कि प्राधिकरण अपने कार्यों को करने के लिए अधिकारीगण और कर्मचारीगण, अधिकारी जितने उसे आवश्यक लगे अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें पॉइंट, अधिकारी और कर्मचारी की सेवा शर्तें वेतन भत्ते वही होंगे जो विहित किए जाए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 8वां पॉइंट कि अगर प्राधिकरण के गठन में कोई त्रुटि है तो प्राधिकरण के द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया है वो निर्णय अविधिमान्य नहीं होगा, त्रुटिपूर्ण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा। तो ए और बी हो गया, सी आता है इसके कार्य क्या हो, कृत्य क्या होंगे, कृत्य क्या है, यानी प्राधिकरण केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य क्या होंगे। सी पॉइंट में क्या होंगे कि चिड़ियाघर में जो भी प्राणी रखे जाते हैं उनको आवास की सुविधा होनी चाहिए, उनकी अनुरक्षण किया जाना चाहिए, उनको चिकित्सीय सहायता उपलब्ध होनी चाहिए, ये जो भी न्यूनतम मानक है वो निर्धारित देख करना है कि उनके आवास के उनको संरक्षण प्रदान करने या उनको चिकित्सीय जो सुविधा या चिकित्सीय जो देखभाल है उसके न्यूनतम मानक निर्धारित कर देता है प्राधिकरण, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, वो मानक निर्धारित कि इससे नीचे की मानक नहीं होने चाहिए, वो मानक निर्धारित कि कितनी उनको आवास की सुविधा दी जानी चाहिए, कितनी उनको चिकित्सा की सुविधा दी जानी चाहिए जो बंदी प्राणी, फिर वो उनके क्या है मानक निर्धारित कर दिया, तो मानक निर्धारित करने के बाद उसका मूल्यांकन भी करेगा
कि भाई हर चिड़ियाघर इन मानकों पर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। उन मानकों का जो प्राधिकरण ने जो मानक तय किए हैं, चिड़ियाघर उन मानक को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका कार्यों का मूल्यांकन करेगा कौन? प्राधिकरण करेगा। फिर चिड़ियाघरों को मान्यता देना और उनकी मान्यता वापस भी ले सकता है प्राधिकरण। ऑथोरिटी के पास में ये पावर है कि वो जो चिड़ियाघर हैं उनको, जो चिड़ियाघर है उनको मान्यता प्रदान भी कर सकता है, उनसे मान्यता वापस भी ले सकता है। बंदी प्राणी, बंदी के रूप में अगर कोई प्राणी है जो प्रजनन के लिए वन्य प्राणियों, मतलब कोई वन्य बंदी प्राणी है और संकटापन यानी उसकी संख्या बहुत कम मात्रा में है, तो बंदी की स्थिति में उसके जो प्रजनन के लिए जो है उत्तरदायित्व, यानी बंदी अवस्था में उसका प्रजनन वाली जो क्रिया है वो किया जाए, उसके लिए मानक तय कर देगा प्राधिकरण। ठीक है, फिर के जो प्रजनन के प्रयोजनों के लिए, कि मान लो कि कोई बंदी प्राणी या कुछ ऐसे वन्य प्राणी हैं जिनको एक चिड़ियाघर में प्रजनन की नहीं है, तो उनको ट्रांसफ़र करना दूसरे मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों में प्रजनन के प्रयोजनों के लिए, आदान प्रदान करना या उधार लेना देना करना। फिर आएगा कि जो संकटापन है वन्य प्राणी हैं या जो बंदी वन्य प्राणी और बंदी प्राणी दोनों आ जाएंगे इसमें, तो उनको संकटापन है, उनके लिए पुस्तक तैयार करना। कौन से कलर की होगी संख्या बुक कौन सी होगी, जिनकी संख्या कम है उनके लिए कौन से कवर वाली बुक रखी जाएगी? पीले कवर वाली। खतरनाक के लिए रेड है और जिनकी संख्या कम है उनके लिए पीले कवर वाली बुक रखी जाएगी। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे कि जो चिड़ियाघर के जो कर्मचारीगण हैं या जो अधिकारीगण हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाना, उनको अनुसंधान शोध रिसर्च, ये दो चार काम याद करने हैं, पूरे रटने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे काम हैं। अगर आप इसके में चार पॉइंट में से पॉइंट पढ़ोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि प्राधिकरण चिड़िया जो राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, उसके क्या काम होते हैं। तो सी में उसके कार्य आ जाते हैं, डी में उसकी प्रक्रिया या उसकी प्रणाली आ जाती है। हर प्राधिकरण अपनी स्वयं की प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करता है, ऑथोरिटी है तो वो क्या है, अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करता है, स्वयं ये डिसाइड करता है कि कब अधिवेशन होगा, अधिवेशन कौन से स्थान पे होगा, कौन से समय पे होगा। लेकिन प्रक्रिया स्वयं प्राधिकरण ने डिसाइड कर ली। अब प्राधिकरण के द्वारा कोई भी ऑर्डर या आदेश पारित किया जाता है तो उस पर सदस्य सचिव के सिग्नेचर होंगे, यानी प्राधिकरण लीगल पर्सन है प्राधिकरण, तो उसकी ओर से कौन साइन करेगा? सदस्य सचिव के द्वारा सिग्नेचर होंगे। प्राधिकरण का कोई भी ऑर्डर निकाला जाता है तो वो सदस्य सचिव के द्वारा साइन किया जाएगा, या सदस्य सचिव की ओर से प्राधिकरण क्या है, कोई व्यक्ति प्राधिकृत कर दिया जाता है। ठीक है, या तो सदस्य सचिव स्वयं साइन कर देगा या किसी सदस्य सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति है वो भी प्राधिकरण की ओर से आदेशों पर सिग्नेचर कर सकते हैं। या तो सदस्य सचिव खुद या सदस्य सचिव द्वारा ऑथराइज्ड है कोई पर्सन तो वो व्यक्ति भी निर्णय पे प्राधिकरण के जुड़ने नहीं लिए जाते उन पे सिग्नेचर कर सकता है। तो ए में क्या था? प्राधिकरण का गठन। बी में सेवा शर्तें थी, उनकी कार्यकाल था, सेवा शर्तें थी। ठीक है, सी में क्या आ जाएगा? कृत्य आ जाएंगे। डी में क्या आ जाएगी? प्रक्रिया आ जाएगी। डी में प्रक्रिया आएगी तो प्रक्रिया निर्धारित होगी डी में। ई में क्या आएगा कि प्राधिकरण को कितना अनुदान कहाँ से मिलेगा, या वो उधार ले सकती है क्या, या उसको निधि का गठन कर सकती है, प्राधिकरण को पैसे कहाँ से आएंगे। सबसे पहले तो केंद्रीय सरकार क्या है, केंद्रीय सरकार के द्वारा इस निमित्त संसद द्वारा संसद विधि बनाकर प्राधिकरण को कुछ निधि अनुदान दे सकता है। ये तो क्या, कौन दे देगी? संसद विधि बना के दे देगी अनुदान। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि इसमें अनुदान कोई थर्ड पर्सन या कोई व्यक्ति भी अनुदान दे सकता है, वो भी इसमें अनुदान में शामिल आता है, या
प्राधिकरण के द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसके उसके बीच में जो फीस ली जाती है वो भी प्राधिकरण की निधि में शामिल मानी जाती है। तो प्राधिकरण क्या है, एक निधि गठित करेगा, अपनी कोष गठित करेगा, ठीक है। तो उस निधि में धन कहाँ कहाँ से आएगा, एक तो संसद विधि बना के जो अनुदान देती है वो आ गया, या कोई व्यक्ति उस निधि में सहयोग दे सकता है, या प्राधिकरण के द्वारा जो काम किए जाते हैं उसकी जो फीस है वो भी निधि में शामिल मानी जाएगी। जो प्राधिकरण की निधि होती है वो भी शामिल मानी जाएगी। अब उस जो प्राधिकरण की जो निधि बनी है यानी जो बैलेंस हुआ वो एक कोष बना है, उसी में से प्राधिकरण के जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है उसी के जो अधिकारी है, जो अध्यक्ष है, जो सदस्य हैं या जो जो कर्मचारी गण हैं उन सबको वेतन भत्ते कहाँ, उस निधि में से ही दिए जाएंगे। संसद ने तो पैसे दिए थे विधि बना के केंद्रीय सरकार ने अनुदान के रूप में, तो अब प्राधिकरण में जो भी अधिकारी गण है या जो भी कर्मचारी गण है उनके से जो वेतन भत्ते हैं वो उस प्राधिकरण की निधि में से ही दिए जाएंगे। तो प्राधिकरण क्या है, प्राधिकरण वार्षिक विवरण भी तैयार करेगा कि कितनी पैसे उसके पास आए, उस निधि में आए और कितने उसने खर्च किए, इसका लेखे रखेंगे, रिकॉर्ड्स रखेंगे, अकाउंट्स रखेंगे। अकाउंट की ऑडिट कौन करेगा, भारत का महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल द्वारा इसकी ऑडिट करवाई जाएगी, यानी उसको अंकेक्षण किया जाएगा, ऑडिट करवाई जाएगी। ऑडिट की रिपोर्ट प्राधिकरण किसको देगा, ऑडिट करवा ली प्राधिकरण ने कि भाई इस समय पे ये पैसे आए और ये खर्च कर लिए, ऑडिट करवा ली प्राधिकरण ने, तो किससे करवाई, ऑडिटर जनरल से ऑडिट करवा ली। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट की रिपोर्ट किसको दे दी, प्राधिकरण को दे दी। प्राधिकरण वो रिपोर्ट किसको दे देगा, केंद्रीय सरकार को दे देगा। अनुदान वाले में ई में ये याद करना कि पैसे पहले तो कहाँ कहाँ से आए, तीन जगह से आए, केंद्रीय सरकार देती है, संसद विधि बना के दे देती है। दूसरा आता है कोई भी व्यक्ति अनुदान दे सकता है। थर्ड आता है कि कोई फीस जो प्राधिकरण को प्राप्त हुई है अपने कार्यों से वो भी उस निधि में शामिल मानी जाए। अब उस निधि को कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए, कितने कर्मचारियों को वेतन भत्ते कितने दिए, उन सब का लेखा रखे जाएंगे, अकाउंट्स रखे जाएंगे। फिर उन अकाउंट की कौन ऑडिट करवाई जाएगी, ऑडिटर जनरल से। ऑडिटर जनरल अपनी ऑडिट की रिपोर्ट किसको दे देता है, प्राधिकरण को देता है। प्राधिकरण अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को देती है, ठीक है। ये पूरे मैंने पॉइंट इसमें एक साथ ही बता दिए, ठीक है। ई में क्या होता है, ई में ऑडिट करोगी, मतलब पहले पैसे कहाँ से आए, ऑडिटर जनरल से ऑडिट करवा ली, उसकी रिपोर्ट प्राधिकरण को दे दी, प्राधिकरण ने रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को दे दी। अब एफ, एनुअल रिपोर्ट। ई में तो ऑडिट रिपोर्ट आई और एफ में आती है एनुअल रिपोर्ट कि प्राधिकरण वार्षिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एनुअल रिपोर्ट किसको देगा, अपनी वार्षिक रिपोर्ट की तैयार करेगा और वार्षिक वित्तीय वर्ष में उसने क्या क्या काम किए, उसमें कितना खर्च हुआ, जो भी एनुअल रिपोर्ट है वो किसको सौंपी जाएगी, केंद्रीय सरकार को सौंपी। ई में ऑडिट रिपोर्ट सौंपी गई प्राधिकरण ने केंद्रीय सरकार को, और एफ में एनुअल रिपोर्ट प्राधिकरण ने करवाई, वित्तीय वर्ष में क्या काम किए उसने, और एनुअल रिपोर्ट करा के केंद्र सरकार को सौंप। ई एफ दोनों ऑडिट रिपोर्ट आ गई, ऑडिट रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट दोनों में रिपोर्ट आ गई। तो अब केंद्रीय सरकार रिपोर्ट का क्या करेगा, रिपोर्ट को वो जी गवर्नमेंट को सौंप देगा यानी संसद को, कि केंद्रीय सरकार के पास जब भी ऑडिट रिपोर्ट आती है और जब भी एनुअल रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से संसद केंद्रीय सरकार संसद के प्रत्येक सदन के सामने उस रिपोर्ट को पेश करेगा, दोनों रिपोर्टों को, ठीक है। तो ए में क्या था, ए में प्राधिकरण, बी में सेवा शर्तें, सी में क्या थे उसके कार्य थे, डी में प्रक्रिया हो गई, ई में अनुदान लेखे मतलब ऑडिट रिपोर्ट आ गई ई में, एफ में आ गई एनुअल रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट आ गई, तो जी में क्या है, केंद्रीय सरकार गवर्नमेंट कहाँ भेज देगी, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रख देगी, जी में सबके सामने रख दिया। अब आता है एच, एच की
चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करना। कोई भी चिड़ियाघर है तो मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर कैसे होंगे? जब उन्हें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा मान्यता प्रदान की जाएगी, तभी तो वो चिड़ियाघर क्या है, मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर होगा। तो अब ये मान्यता कौन प्रदान करता है? प्राधिकरण प्रदान करता है, ठीक है। कोई भी चिड़ियाघर अगर प्राधिकरण के द्वारा उसे मान्यता प्रदान नहीं है तो वो चिड़ियाघर आगे संचालित नहीं, आगे नहीं चलाया जा सकता। इसमें परंतु बता दिया कि 1991 में संशोधन हुआ और उससे पहले ही कोई चिड़ियाघर चल रहा है, पहले से ही कोई चिड़ियाघर चल रहा है और उसने क्या मान्यता प्राप्त नहीं की है, तो संशोधन होने की तारीख से 1991 में संशोधन हुआ, संशोधन होने की तारीख से 18 महीने की अवधि तक ही वो क्या है, मान्यता प्राप्त किए बिना संचालित किया जा सकता है। यानी 18 महीने तक तो 1991 में संशोधन हुआ एक्ट में, और 1991 का संशोधन जिससे लागू हुआ तब की तारीख से क्या है, मान्यता प्राप्त करना जरूरी हो गया, लेकिन 18 महीने उसको छूट दे दी कि 18 महीने तक आप बिना मान्यता प्राप्त किए भी चिड़ियाघर को संचालित कर सकते हो, ठीक है। और फिर अब 18 महीने में मान लो उसने आवेदन कर दिया, मान लो 15 महीने या 16 महीने में वो आवेदन कर दिया कि मुझे मान्यता प्रदान की जाए इस चिड़ियाघर को चलाने के लिए, चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन कर दिए, तो आवेदन जब तक अंतिम रूप से विनिश्चित नहीं कर दिया जाए या नामंजूर कर, मान लो या तो क्या आवेदन को कह दिया अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया जाए या वापस लिए जाने तक संचालित किया जाएगा। आवेदन किया, जब तक आवेदन को सुनने में जो टाइम पीरियड लगेगा तब तक चिड़ियाघर चलेगा। मान लो 17 महीने हुए, अमेंडमेंट हुए, 17 महीने हुए उसने आवेदन कर दिया, 18 महीने तक चला सकता है वैसे, लेकिन 17 महीने होते उसने क्या आवेदन कर दिया। अब आवेदन में कितना समय, आवेदन पूर्ण रूप से अंतिम रूप से विनिश्चित होने में मान लो 2 साल लगे, 3 साल लगे, तो तब तक वो चिड़ियाघर चला दे, या उसने आवेदन वापस ले लिया है, आवेदक ने आवेदन वापस ले लिया तब तक वो चिड़ियाघर चला दिया जाए। और अगर मान लो वो नामंजूर कर दिया, 3 कंडीशन बोल रही हूँ मैं, या तो अंतिम रूप से विनिश्चित होने तक चिड़ियाघर चलाएगा, या आवेदन को आवेदक वापस ले लेता है कि मान लो 17 महीने हुए और वो आवेदन करता है कि मुझे चिड़ियाघर चलाने की अनुमति दीजिए, और 2 महीने में वो अपना आवेदन वापस ले लेता है कि नहीं मुझे तो नहीं चलाना चिड़ियाघर, मान्यता प्रदान नहीं करनी। तो जब उसने 2 महीने, 17 महीने, 2 महीने, 19 महीनों में वो क्या है, 19 महीने तक चिड़ियाघर चला सकते। 2 कंडीशन आ गई, या तो अंतिम रूप से विनिश्चित होने तक, या वो आवेदन अपना वापस ले लेता तक तो चिड़ियाघर चला सकते। या तीसरी कंडीशन आती है कि उसने आवेदन किया कि चिड़ियाघर को मान्यता दी जाए, लेकिन उस आवेदन को क्या है, नामंजूर कर दिया, खारिज कर दिया। तो फिर वो खारिज करने की तारीख से 6 महीने तक उसको संचालित कर सकता है, 6 महीने के बाद में उस चिड़ियाघर को उसे बंद करना ही होगा। मान लो 17 महीने हुए, अमेंडमेंट हुए, 17 महीने बाद में वो जाते कहता है, आवेदन करता है कि मुझे उस चिड़ियाघर को चलाने के लिए मान्यता प्रदान की जाए, और प्राधिकरण क्या करता है, आवेदन को खारिज कर देता है, नामंजूर कर देता है। तो फिर वो चिड़ियाघर कब खारिज, आवेदन के खारिज होने या नामंजूर होने के दिनांक से 6 महीने तक और संचालित किया जा सकता है, उससे ज़्यादा आगे चिड़ियाघर को नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। ये तो चिड़ियाघर को मान्यता कौन देता है, प्राधिकरण देता है। अब अगर कोई 2002 में ये है कि एक्ट आया, संशोधन हुआ 2002 में, इससे पहले अगर कोई चिड़ियाघर प्राधिकरण पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएगा। 1991 में तो संशोधन आया, चिड़ियाघर पहले से चल रहा था, तो उसे मान्यता प्राप्त करने के लिए वो आवेदन कर रहा है। 2002 में संशोधन आ गया, और संशोधन से पहले भी अगर कोई चिड़ियाघर है तो उसके बाद में क्या, 2002 के बाद में कोई भी चिड़ियाघर मान्यता प्राप्त नहीं होगा, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना स्थापित नहीं किया जाएगा 2002 के बाद। इसी दिन से लैंग्वेज याद करना है कि 2002 के बाद में कोई भी चिड़ियाघर
प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना स्थापित ही नहीं किया जाएगा। पहले प्राधिकरण की अनुमति लेनी होगी, ठीक है। फिर वो जो मान्यता दी जा रही है चिड़ियाघरों को प्राधिकरण के द्वारा, तो इसके लिए वो फीस लेगा कि नहीं लेगा? फीस कहाँ पढ़ के आए अपन कि वो फीस लेगा प्राधिकरण? प्राधिकरण क्या कर रहा है? फीस लेगा और प्रारूप जो निश्चित है उस प्रारूप में ही उस चिड़ियाघर को वो मान्यता देगा। फिर उसमें सेवा शर्तें भी जोड़ सकता है कि किसी चिड़ियाघर को मान्यता दी जा रही है तो उसमें शर्तें जोड़ दी जाएगी, ठीक है। कोई भी प्राधिकरण किसी भी चिड़ियाघर को तब तक मान्यता नहीं देगा जब तक प्राधिकरण संतुष्ट नहीं हो जाता कि वो चिड़ियाघर वन्य जीवों के संरक्षण परिरक्षण या उनके हितों के लिए जो मानक निर्धारित है, जो प्राधिकरण के द्वारा जो मानक निर्धारित है उन मानकों को अगर कोई चिड़ियाघर पूर्ण करता है तो ही प्राधिकरण उस चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान करेगा, अन्यथा नहीं। कि मानक निर्धारित कहाँ किए थे? 38C में। अगर कोई चिड़ियाघर उन जो प्राधिकरण द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं वन्य जीवों के संरक्षण परिरक्षण के लिए वो मानक फुलफिल करती है कोई चिड़ियाघर तो ही उस चिड़ियाघर को मान्यता दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है कि किसी भी चिड़ियाघर को के आवेदन को नामंजूर किया जाता है तो नामंजूर करने के कारण लिखने होंगे, ठीक है, कारण लिखने होंगे और सुनवाई का अवसर भी देना होगा। मान लो कोई आवेदन आया कि चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए आवेदन आया तो उस आवेदन को नामंजूर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा। ये कौन सा पाँचवा पॉइंट है कि आवेदन आया किसी चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन आया उस आवेदन को नामंजूर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता। ये तो क्या आवेदन आते ही नामंजूर कर रहा है लेकिन उसको सुनवाई का अवसर दे के नामंजूर कर। छठा पॉइंट कह रहा है कि मान्यता तो दे दी पहले, अब उस मान्यता को क्या है या तो निलंबित करना है या उस मान्यता जो पहले दी हुई उसको रद्द करना है तो भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। कोई मान्यता दे दी मान लो किसी चिड़ियाघर को, कहाँ पे दी है मान्यता? 38K H के चौथे पॉइंट में कि अगर कोई चिड़ियाघर मानक पूरे करता है जो प्राधिकरण द्वारा डिसाइड मानक थे उनको पूरा करता है कोई चिड़ियाघर तो ही तो मान्यता देगा प्राधिकरण, चौथे पॉइंट में अभी पढ़ा। तो चौथे में कहा कि मान्यता दे दी तय कर दी तो मान्यता देने के बाद में उसे लगता है कि नहीं भाई अब ये मानक फुलफिल कर नहीं रहा, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा या पूरे हो नहीं रहे तो फिर वहाँ पे क्या है मान्यता देने के बाद भी उस मान्यता को या तो सस्पेंड निलंबित किया जा सकता है या फिर मान्यता रद्द भी की जा सकती है। ये सारा चिड़ियाघर से संबंधित है तो जहां पर वो नामंजूर कर रहा है आवेदन को, कहां पे किया आवेदन को नामंजूर? पांचवे पॉइंट में। छठे में मान्यता दे दी उसको निलंबित किया जा रहा है या उसको रद्द किया जा रहा है तो दोनों ही कंडीशन में प्राधिकरण बताएगा कि वो अपील कर सकता है कहां पर? केंद्रीय सरकार में। या तो उसने आवेदन को खारिज कर दिया, नामंजूर कर दिया, या पहले मान्यता दे दी फिर उसको निलंबित कर दिया या रद्द कर दिया, तो ये काम किसने किया है? प्राधिकरण ने किया है ना, तो प्राधिकरण के निर्णय की अपील कहाँ पे होगी? केंद्रीय सरकार में होगी। और प्राधिकरण ने जिस दिन ये डिसीजन दिया चाहे आवेदन को नामंजूर किया चाहे निलंबित की मान्यता को या जो मान्यता दी गई है उसको रद्द किया, निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर, ये टाइम पीरियड याद रखना अपना, निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर वो केंद्रीय सरकार में प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध केंद्रीय सरकार में अपील की जा सकती है। टाइम पीरियड याद रखना है 30 दिन के भीतर। और अगर 30 दिन के भीतर नहीं की जाती है, वैसे तो टाइम पीरियड 30 दिन है
लेकिन केंद्रीय सरकार को लगता है कि कोई पर्याप्त हेतु था या कोई पर्याप्त रीजन था जिस कारण ये 30 दिन में नहीं अपील की गई है, तो केंद्रीय सरकार 30 दिन के बाद भी अपील को ग्रहण कर सकती। तो ये सारी कथा कहाँ पे थी? एच में। एच में सबसे पहले मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर को कौन देगा? प्राधिकरण देगा, प्राधिकरण देगा। टाइम पीरियड बता दिया परंतु में कि कब तक उसको चिड़ियाघर को चला सकता है। 91 में संशोधन हुआ, संशोधन की तारीख से 18 महीने, संशोधन की तारीख से 18 महीने तक वो चला सकता है। फिर उसने आवेदन कर दिया, तो आवेदन अंतिम निश्चित नहीं हो जाता तब तक, या आवेदन वापस नहीं लेता तब तक चला, या आवेदन किया उसको नामंजूर कर दिया तो नामंजूर करने की तारीख से 6 महीने तक वो चिड़ियाघर को चला सकता है। फिर चिड़ियाघर जो मान्यता दी जाएगी, सेवा शर्तें होगी, तय होगा। फिर मान्यता चौथे पॉइंट में किसी भी प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर को तभी मान्यता दी जाएगी जब वो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित जो मानक है उनको पूर्ण करते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण संवर्धन के लिए आवश्यक हैं तो देगा। अब चौथे पॉइंट में तो मान्यता दे दी, मान लो मानक पूरे हो गए, दे दी। पांच में कहता है कि नहीं, अगर नहीं दिए तो आवेदन को नामंजूर भी कर सकता है, नामंजूर करेगा तो सुनवाई का अवसर देगा। छठे पॉइंट में आ रहा है कि मान्यता पहले दे दी, अब उसको निलंबित करना है या उसको रद्द करना है तो सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई का अवसर, अगर नामंजूर या रद्द की है तो उसकी अपील भी हो सकती है। कहाँ पे होगी? केंद्रीय सरकार में होगी। निर्णय दिए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपील करनी होगी, लेकिन केंद्रीय सरकार 30 दिन के बाद भी अपील ग्रहण कर सकती है यदि उसे लगता है कि ऐसे को अपील ना करने का कोई पर्याप्त कारण या रीजन है, तो वो 32 दिन के बाद भी केंद्रीय सरकार अपील को ग्रहण कर सकती है। एच हो गया। एच के बाद में आता है आई, कि कोई किसी चिड़ियाघर का प्राणियों का अर्जन, कि मान लो कोई चिड़ियाघर है वो प्राणियों को प्राप्त करना चाहता है, शेड्यूल वन या शेड्यूल टू में वन्य जीवों या बंदी प्राणियों का अर्जन, विक्रय या उसका अंतरण प्राधिकरण की अनुमति के बिना या पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। खाली चिड़ियाघर है यहाँ पर, मैं बोल रही हूँ मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर नहीं बोल रही, मान्यता प्राप्त तो कहाँ आ गया? एच में आ गया ना, 38H में आ गया। अब कोई चिड़ियाघर है किसी वन्य शेड्यूल वन या शेड्यूल टू में वन्य प्राणी या किसी बंदी प्राणी को अर्जन करना चाहता है या उसको विक्रय करना चाहता है या उसको क्या करना है, अर्जन करना चाहता है, या तो लेना चाहता है या बेचना चाहता है या उसको ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसे प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लेनी होगी। और कोई भी चिड़ियाघर किसी वन्य प्राणी या बंदी प्राणी को लेना चाहता है या अर्जन करना चाहता है तो उसे मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर से ही वो वन्य प्राणी लेना है। कोई चिड़ियाघर अगर वन्य प्राणी का अर्जन करना चाहता है, विक्रय अंतरण करना चाहता है, तो ये व्यवहार सिर्फ वो मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर से ही करेगा, ठीक है, अन्यथा नहीं करेगा। तो एच के बाद में आई के बाद में जे, कि किसी चिड़ियाघर में तंग करने आदि का प्रतीक, कि कोई भी व्यक्ति चिड़ियाघर में जो प्राणी है उनको तंग नहीं करेगा, उनको उत्पीड़ित नहीं करेगा, क्षति नहीं पहुंचाएगा, उन्हें ना ही खिलाएगा अथवा शोर करके या अन्य प्राणियों को शुद्ध करने, मतलब कुछ भी नहीं करेगा, जो उनके जो चिड़ियाघर में रहने वाले वन्य जो प्राणी हैं या जो भी बंदी प्राणी हैं उनके लिए अलाभकारी हो, ऐसा कोई काम नहीं करेगा या ना ही भूमि को अव्यवस्थित करेगा। तो ये हेडिंग याद करो पहले, ए में क्या था? प्राधिकरण। बी में क्या था? उनकी सेवा शर्तें। सी में कार्य। डी में क्या था? प्रणाली। ई में क्या था? ऑडिट करवाना। ये ऐसे याद कर लो, ई ऑडिट है, यानी लेखे अनुदान या उसके जो ऋण है वो पैसे वाले, ई ऑडिट। एफ एनुअल रिपोर्ट। जी में गवर्नमेंट के पास रखा जाना, यानी संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखेगा? केंद्रीय सरकार रखेगी जी। एच में क्या था? मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर, चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान किया जाना। एच आई कह रहा है कि कोई भी चिड़ियाघर वन्य बंदी प्राणी या वन्य प्राणी को अर्जन, विक्रय या अंतरण करना चाहता है तो प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से करेगा और मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों से ही करेगा,
या तो उसको विक्रय करना है तो मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों को ही देगा, या खरीदना है तो मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों से ही खरीदेगा। फिर आ गया जे कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति है कि कोई भी व्यक्ति पर जो चिड़ियाघर में किसी प्राणी को तंग नहीं करेगा, कष्ट नहीं पहुंचाएगा, भूमि में भूमि को अव्यवस्थित नहीं करेगा। तो यहाँ पर थे ये ए से लेकर जेड जे तक, ए से लेकर जे जे तक थे। कौन से प्रोविजन